आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवला और हरी मिर्च का अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आंवला जो है विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, स्किन को भी हमारी ठीक रखता है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इंस्टेंट ये बन भी जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो आंवला और साथ में ले लिया है 200 ग्राम हरी मिर्च, जिनको मैंने साफ़ कर लिया है और बीच में से कट लगा लिया है इसके डंठन निकाल के। तो कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें डाल लेंगे 2 लीटर के करीब पानी, जिसमें हमारी आंवला जो है डिप हो जाए। और इसमें अब हम डाल लेंगे आंवला को और इनको हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये 80% तक कुक नहीं हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें पूरा फुल जो है कुक नहीं करना है। और ये देखिए आंवला जो है कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है इनका। आप स्टीम करके भी इसे बना सकते हो, तो मैं इसे बॉईल करके बना रही हूँ, तो आप इसे फोर्क के साथ चेक कर सकते हो। तो ये जो है जितने हमें चाहिए उसके हिसाब से ये गल गए हैं, पूरे हमें नहीं गलाने हैं। गैस बंद कर दी है, स्ट्रेनर ले लिया है, इसमें हम जो है आंवला को निकाल लेंगे। और ये जो पानी है हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इससे अपने हेयर वॉश भी कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होता है। और यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है, यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाल लिए हैं धनिया और 2 चम्मच डाल दिए हैं अजवाइन के, 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं काली वाली सरसों और 2 चम्मच पीली वाली सरसों डाल दी है, 2 चम्मच सौंफ के डाल दिए हैं, 1 चम्मच डाल दिया है मेथी का और 15-20 दाने जो है मैंने काली मिर्च के डाल दिए हैं। और यहाँ पे अब डाल लेने हैं 2 चम्मच जीरा के और इनको हमें हल्का भूनना है, बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए मसाले जो हैं सारे भून गए हैं, तो गैस अब जो है बंद कर लेंगे और इन मसालों को निकाल लेंगे 1 बाउल में ताकि ये ठंडे हो जाएं। और उसके बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे, तो इन्हें हम रख लेते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे ले लेते हैं आंवला जो कि ठंडे हो गए हैं, और इनको इस तरह से अपने फिंगर से ही इनको अलग करना है, नाइफ की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो गुठली है इन्हें निकाल लेना है, आपको जितने बड़े साइज़ में इन्हें बनाना है आप इनके पीसेस कर सकते हो, आप इसे 2 पार्ट में भी बना सकते हो, इनको आप पूरा ऐसे भी बना सकते हो, बट मैं इसके जो हैं थोड़े ज़्यादा पीसेस 4 पीसेस में इनको डिवाइड कर रही हूँ। और इस तरह से इनके सीड भी निकाल लेने, और सारे मैंने निकाल लिए हैं आंवला, देखिए बहुत बढ़िया से ये अचार बनाने के लिए अब तैयार हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं मसाला जो ठंडा हो गया है, इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए मसाला भी ग्राइंड हो गया है। तो अब हम गैस में रख लेंगे कढ़ाई और इसमें डाल लेंगे 1.5 कप सरसों का ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, पर सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया अचार बनता है। तो इसे गर्म कर लेना है, देखिए तेल का जो है धुआं निकलने लगा है, तो गैस को हमें बंद कर देना है। और जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी हींग, और इसके बाद ऐड कर लेंगे ग्राइंड किए हुए सारे मसाले। अगर हम बिल्कुल गर्म तेल में डालेंगे तो मसाले सारे जल जाएंगे, इसलिए हम इसमें ठंडा करके ही डालेंगे। और साथ में ऐड कर लेंगे 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच डाल लेंगे गरम मसाला, 2 चम्मच डाल लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और इनको मिला लेंगे। और ये जो मसाले हैं इसी तेल में ये पक जाएंगे, गैस बिल्कुल ऑन नहीं करनी है अभी। और इसमें हम डाल लेंगे कटी हुई हरी मिर्च, आप साबुत भी डाल सकते हो, तो मैंने बीच में कट लगा के इन्हें काटा था, और मिला लेंगे अच्छे से।
गैस को ऑन कर लेंगे और थोड़ी देर इसे 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे पका लेंगे, क्योंकि आंवला जो है हमने बॉईल किए हुए हैं। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे आंवला, और इन्हें मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। अच्छे से मिला लिया है और लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें गैस को रखना है और इन्हें हिलाते हुए बीच बीच में 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसमें अब ऐड कर लेंगे नमक। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, और मिला लेंगे इनको अच्छे से। बहुत ही जल्दी से बनने वाला ये अचार की रेसिपी है, बहुत ही इसे आप इंस्टेंट बना के खा सकते हो, इसे कोई धूप वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो देखिए उबाल आ गया है इसमें, और इसे मिला लेंगे अच्छे से ताकि सारे मसाले जो हैं आ जाएं इनके ऊपर। और जो है अब हमें इसकी गैस जो है बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। तो मैंने 15-20 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रखा है, और ये देखिए कितना बढ़िया सा आंवला का अचार जो है वो बन गया है। एक बारी फिर से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं आपस में मिल जाएं। तो मैंने एक गिलास का जार ले लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। और इसमें अब डाल लेंगे आंवला का अचार। अगर आप तेल कम डालना चाहते हो तो इससे भी कम आप डाल सकते हो। ये अचार जो है इंस्टेंट बना के इसे खा सकते हो। तो देखिए मैंने जार में इसे डाल लिया है, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो मैं आपको इसे प्लेट में भी डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया आंवला का अचार बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप एक बारी इस तरीके से अचार बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक बारी बनाओगे तो इसे बार बार बनाने का आपका मन करेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो अचार की, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।